काम तो सफाई कर्मचारी है, आप पता कर लेंगे सफाई कर्मचारी पूरी पेटी पेटी है देखो नहीं आज क्या अभियान ये चलाया गया मुरादाबाद में और क्या बरामद हुई जी? पहले तो मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि अभियान जो चल रहा है पूरे प्रदेश में या उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अभियान चल रहा है। जो अभियान मेरा उनके आदेशानुसार 31 मई से लेकर के 30 जून तक ये अभियान चलाया जा रहा है जो पूरे प्रदेश में है। उन्हीं अभियान के दौरान हम लोग विशेष प्रवर्तन कार्य जनपद में किया जा रहा है। आज क्या पकड़ा गया? आज हम लोग आदर्श नगर बातुकालीन मुरादाबाद में पुलिस फोर्स के साथ दबिश दी गई, जिसके अंतर्गत 215 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई, साथ ही 16,000 केजी लाइन नष्ट किया गया व लगभग 100 के आसपास बत्तियां नष्ट की गई और मौके पर ही दो अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई और अवैध कच्ची शराब या तस्करी में लिप्त लगभग 4 वाहन की मौके से गिरफ्तारी की। जो लोग छोड़ करके बाइक पीछा कर छोड़ के भाग गए वो वाहन बरामद हुए। तो ये कितना कितने दिन से कहाँ कहाँ सप्लाई ये लोग कर रहे थे? सप्लाई लोग कच्ची शराब बनाने में थोड़ा सा ये ज़्यादा हैं बांधु कॉलोनी में, लगभग गांव गिराव में ये लोग बाइकों से पहुंचाते रहते हैं कच्ची शराब। तो ये अभियान क्या है? तो सीएम की विजिट 30 तारीख को मुरादाबाद में, तो अभियान नहीं ऐसा नहीं है, ये अभियान चल रहा है मेरे जो आबकारी कमिश्नर के आदेशानुसार चल रहा है। ये अभियान पूरे एक महीने का है। अच्छा, तो इसमें जब जहाँ कहीं घटना हो जाती है तो फिर थोड़ा सा सतर्कता बढ़ती जाती है, पूरी तरह से थोड़ा उसमें देखा जाता है कि कहीं वो घटना किसी अन्य जनपद में रिपीट ना हो जाए, उस पर लेकर के हम सावधानी बरतते हैं और उन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जनपद में जितने भी संदिग्ध ग्राम या संदिग्ध स्थल है या संदिग्ध व्यक्ति वहाँ में छापेमारी कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार, आपका इंस्पेक्टर मुरादाबाद सेक्टर।